नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। सरफिरे टूरिस्ट की मौत, क्या आपको लगता है कि गोवा टूरिस्टों के लिए सेफ है? सर, क्या आप ये मिस्ट्री सॉल्व कर पाएंगे? दिल्ली से सीबीआई ऑफिसर अली अंसारी का गोवा में तबादला। अली अंसारी जो 2 साल पहले नॉर्थ गोवा के डीसीपी रह चुके हैं, ऐसा कहा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर के बीच अपनी निजी जिंदगी दांव पे लगा चुके अली अंसारी 2 साल पहले गोवा से तबादला लेकर दिल्ली की तरफ मुड़े थे। अब क्या अली अंसारी गोवा में बढ़ते क्राइम को रोक सकेंगे? This way, sir. Kya
क्या रिपोर्ट है? रिपोर्ट ये है सर कि कैलंगूट बीच पे एक लड़का बेहोश मिला था, सर पे चोट लगी थी और पूछताछ के बाद पता चला कि यहाँ रुका है, और जब यहाँ पहुंचे तो ये लड़के की डेड बॉडी, बाकी सब गायब है सर। सब गायब है। इस ग्रुप में जितने भी लोग थे उनका सामान खोलो और रिजॉर्ट वालों से इनकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन लो, इनके फोटो आईडीज, कहाँ से आए हैं, कंप्लीट एड्रेसेस, व्हाटएवर इन्फॉर्मेशन पॉसिबल आई वांट इट। ओके राइट सर। और रिजॉर्ट की सीसीटीवी फुटेज देखनी है मुझे। श्योर सर। ऑल द इन्फॉर्मेशन पॉसिबल आई वांट। सर जम के पार्टी की है इन लोगों ने। वो लड़का कहाँ है? सर डालो कस्टडी में। श्योर सर। तो तुम सात लोग आए थे हॉलीडे पे? हाँ सर, वो प्रिंस का बर्थडे था तो हम सबको लेके आया था। सबके नाम? प्रिंस, तनीषा, स्मृति, हिमांशु, ऋषभ और रिया। प्लान किसका था? सर प्रिंस का ही। हमारा प्लान तो पहले ही बन गया था। प्रिंस अपने हर बर्थडे पे हमें कहीं ना कहीं लेकर जाता है, और इस बार गोवा। आइए सर। नहीं यार, जस्ट टुक अ शावर ब्रो। क्या हो गया, एक और बार ले ले। नहीं यार, आई एम गुड। वैसे यहाँ लग रहा है प्रिंस का बर्थडे, यू नो। यप, द परफेक्ट प्रिंस स्टाइल। अब यार प्रिंस के स्टैंडर्ड के हिसाब से इतना तो बनता है ना, क्यों प्रिंसी बॉय? इसमें कौन सी बड़ी बात है यार। बस बर्थडे रॉकिंग हो। तेरा बर्थडे तो रॉकिंग होगा ही। और गोवा में फिल्मी स्टाइल? गोवा में फिल्मी स्टाइल? ये क्या है? उजर कोई बॉलीवुड की मेमशेम आ रही है क्या? हाँ मेमशेम छोड़, बॉलीवुड की बॉम्बशेल ब्रो। ओए 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 यार ब्रो, क्या बात कर रहा है? मतलब क्या है? अरे ये अभी रिजॉर्ट से पता चला है कि आज रात को ब्रो स्पेशल बॉलीवुड नाइट। आज बॉलीवुड नाइट पे पूरे पैसे त्याग देंगे। मैं त्याग दूं ट्विटर तेरी इन आंखों पे, टैटू करूं तेरा नाम मैं अपने हाथों पे। मैं त्याग दूं ट्विटर तेरी इन आंखों पे, टैटू करूं तेरा नाम मैं अपने हाथों पे। दिल से सारी धड़कन तू निचोड़ न दे, कार बिना पेट्रोल के जैसे छोड़ न दे। सुन बैरी मेरे ओ मेरे ओ मेरे, सुन बैरी मेरे सारे क्रेडिट कार्ड अब से तेरे नाम। सुन बैरी मेरे सारे क्रेडिट कार्ड अब से तेरे नाम। सुन बैरी सुन बैरी सुन बैरी सुन बैरी सुन बैरी, कर दूं एफडी के मैं सारे पैसे तेरे नाम। सुन बैरी मेरे सारे क्रेडिट कार्ड अब से। सेल्फी भी क्या सेल्फी, जिसमें नहीं तू भी। इंश्योरेंस निकालूं तेरी जवानी की, मेरा इश्क है 4G, डाउनलोड कर जल्दी।
तुझे फन से बना लूं फियोन जियो। दिल से सारी धड़कन तू निचोड़ न दे, कार बिना पेट्रोल के जैसे छोड़ न दे। सुन बैरी मेरे ओ मेरे ओ मेरे, सुन बैरी मेरे सारे क्रेडिट कार्ड अब से तेरे नाम। सुन बैरी मेरे सारे क्रेडिट कार्ड अब से तेरे नाम। सुन बैरी सुन बैरी सुन बैरी सुन बैरी सुन बैरी कर दूं एफडी के मैं सारे पैसे तेरे नाम। सुन बैरी मेरे सारे क्रेडिट कार्ड अब से। चल चल मारना पास करना। अबे हिमांशु क्या कर रहा है? मार हिमांशु। तेरा हिमांशु मार गधे। मैं बोल रहा था फिर से हार जाएगा तू। हाय। ओ हाय आओ जी आओ आओ आओ। hey. ए क्या पहन के आया यार? बिकनी शिकनी भी पहन के आते हैं? बेबी मुझे शॉपिंग का टाइम ही नहीं मिला, मैं कर लूँ शॉपिंग? हाँ हाँ सही है, उड़ा उड़ा मेरे बाप के पैसे। शॉपिंग के लिए बोलो। क्या जाने हो, मैं नहीं कर सकती क्या? हाँ हाँ कर लो, तुम्हारा हक जो बनता है। क्या बोला बे? हैं? अरे सुनो तुम अकेले मत जाना। ओए लक्ष्य, ओए बोल करो, तू चले जा इनके साथ ठीक है? या होल्ड ऑन, लेट्स गो लेट्स गो। चल इसकी ना बचा देनी है मैंने एक दिन। ठंडे रख, हुआ क्या? अबे तूने देखा नहीं क्या कैसे रिया के साथ टाइम स्पेंड करने चला गया है कि नहीं? क्यों ऋषभ ऐसे घंटा उसे रिया पटने आ गया। अबे प्रिंस अपनी बकवास बंद कर तू, समझा? ओ यार मूड मत खराब कर यार। से दे तेरा मूड सेट करूं कि तू खुद करता है? आया ना लाइन पे। ओ सुन जा, मेरा बर्थडे तू मना गया। अच्छा लेकिन एक बात है, रिया को पता नहीं लगना चाहिए कुछ। वो तो मुझ पे छोड़ दे। चल दे। हाय हाय हाउ आर यू? हाँ इट्स ओके यार, वही तो। ओह गॉड रिया, अरे सुनो रिया कहाँ रह गई थी, बहुत देर लगा दी तुमने। तुम्हारे लिए तो अच्छा है ना कि मैंने देर लगा दी। क्या क्या मतलब, मैं समझा नहीं कुछ। ओ प्लीज ऋषभ, जैसे मैंने वो सब कुछ देखा नहीं। अच्छा वो तो मैं उसकी हेल्प कर रहा था यार, गोवा पहली बार आई है बेचारी तो बस नॉर्मली। स्टॉप इट ऋषभ, ये सब बेकार की एक्सप्लेनेशंस देने की ना मुझे जरूरत नहीं है ठीक है। मुझे लगा ये तुम ट्रिप मेरे साथ बिताने आए हो, पर मैं बिल्कुल गलत थी। तुम तो एक्चुअली ना शायद यही तुम हो। तू अपनी हद में रह समझी, मेरी जो चाहे मर्जी मैं वो करूंगा, तुझसे पूछने की या इजाजत लेने की मुझे जरूरत नहीं है। ऋषभ। क्या ऋषभ, वरना क्या करेगी तू? हाँ तू अपनी मर्जी से खुद तो कुछ करने नहीं देती है। एक्चुअली ना इसलिए शायद तुम पिछले 6 महीने से मेरे साथ जबरदस्ती करते आ रहे हो। करूंगा, जबरदस्ती ही करूंगा, और जब तक तू पूरी तरह से मेरी नहीं चाहती ना रिया। ऋषभ इट्स हॉट, करूंगा लीव। ऋषभ तुम्हारे ना मुंह ही नहीं लगना मुझे। ऋषभ क्या मैंने कहा ना, अपनी अकड़ बंद कर, और मुंह तो तुझे मेरे लगना है। इट्स हर्टिंग ऋषभ, याद रखियो इस बात को। लेट मी गो, इसके अलावा तेरे पास कोई चारा भी नहीं है। लेट मी गो ऋषभ, छोड़ो ऋषभ। कह रहा हूं ना अकड़ मत दिखा वरना। लीव इट। वाओ सनसेट्स ऑलवेज सो ब्यूटीफुल ना, नॉस्टैल्जिक कर देते हैं। फिर से आ गई तुम मेरे पीछे रिया, क्या हुआ तुम्हें? यू नो जिंदगी बिल्कुल सनसेट की तरह होती है, इतनी खूबसूरत, लेकिन इसकी रोशनी सिर्फ अंधेरे को बुलावा देती है लक्ष्य। पर रात के बाद यही सूरज एक नए दिन की रोशनी देता है, हमें बस उस रोशनी का इंतजार करना है। इंतजार ही तो नहीं होता, ताकत ही नहीं बची है मुझ में। ताकत हम सब में है रिया, सिर्फ उसे परखना आना चाहिए। इतना आसान नहीं होता है लक्ष्य। जिंदगी आसान नहीं होती। पर क्या रिया, फिर क्या करूं, मेरी रातों की जैसे सुबह ही नहीं है।
I have no choice but to live in darkness, Laksh. We make choices, Rhea. I think it's time you made one. I think, yes, I will. Thank you, Rhea. Chalo, hame party mein jana. Chalo. Happy birthday, my love. This is for you. Yeah. Wow, very special gift. Kya baat hai? So cute, man. Open it, open it. Ye kya? It's cute. Wow. Oh, wow. Wow. It's awesome. How sweet. Isn't it pretty? Dikha, dikha. Happy birthday, baby. Kya hai? Kya hai? Kya hai? Ye kaisa hai yaar? Dude, you have to wear that. Are you mad? Right? No. Kya, baby? अभी तुम्हें पसंद नहीं आया? पागल है क्या? You have to. You have to wear it. नहीं नहीं. No way. Prince, come on यार. Prince. It's awesome. Please, अच्छा देख लो ठीक है? Wow. Happy birthday, Prince. So sweet. Isn't it cute? Happy birthday to my princey boy. Cheers. One more baby for you. पागल हो गई है. What? अबे मुंह बंद करो इसका यार. क्या है? One more मारे जा रही है. पागल हो गई है. इसको फ्री की जो मिल रही है मेरे यार. क्या बोला अबे? क्या बोला? मैं रिया बेबी, one bottoms up for me. No thank you. रिया ऋषभ मेरे भाई, चल bottoms up. Drink baby. It's like a good boy. I'll be back. Hey babes, just Oye oye mere sher, what's up? Kahan tha tu bhai? Kya hua? Meri bari badi miss kar rahi thi. Abhi yaar, tu use chhod na yaar. Main tere liye gift lene gaya tha. Acha. वाह, मेरे पैसे से मेरे लिए गिफ्ट. अरे यार चल दे दे अपने. ये हुई ना बात मेरे यार. तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? I've been waiting for so long. बेबी तुम्हारे लल्लू से छुप के आना पड़ता है ना. चलो let's not waste more time. As you say. Shots मार देना यार please. I'm down for it man. भाई पागल है. मैं I'm 5 down dude. अरे Prince birthday तेरा. अबे ऋषभ और हिमांशु के साथ मार ले. I'm down bro. I'm good. ऋषभ कहाँ है? I'm good. ऋषभ किधर गया? छोड़ना तू पीते चल. क्या कर रहे हो Prince? प्रिंस छोड़ो मुझे. प्रॉब्लम है कुछ? हाँ हाँ प्रिंस छोड़ो. बिहेव योरसेल्फ प्रिंस. गो अवे प्रिंस. छोड़ो. अबे क्या कर रहा है बे तू? ये अपनी औकात में रह तू. हाँ तू प्रिंस को औकात दिखाएगा? हाँ तूने जो उसके साथ किया है वही तो कर रहा हूं मैं. अबे मेरी गर्लफ्रेंड है वो, समझ गया तू? गाइस एवरीवन, ब्रेकिंग न्यूज, रिया ऋषभ की गर्लफ्रेंड है. क्या कर रहे हो तुम? डूड रिलैक्स. ग्रेट रिलैक्स. तू हट. अबे तेजी रिलैक्स. क्या बोल रहा है? बोल ना. की गर्लफ्रेंड की तरफ देखता है? हां नहीं तो समझ नहीं जाती. अबे तेरी तो क्या बोला? अबे क्या बोला? ऋषभ छोड़ दे. अबे नल्ला है तू नल्ला. छोड़ दे. अभी ना ये मेरे पास आती इसको है. इसको लेके जा खत्म कर दूंगा मैं. बस अबे हट यार. ऋषभ हट. ऋषभ मुझसे आके चिपकती है, समझा? मुझसे आके चिपकती है. यार प्लीज ऋषभ यार. गाइस अबे हटा तू. शांत. आई हैव नो. चुप एकदम चुप. मुंह बंद कर बना. तेरी मैं. बेबी प्लीज लिसन टू मी. आई एम हियर फॉर यू ना. And I don't want my baby's birthday to get spoiled. तू ये baby भी बोलना बंद कर, समझी? एक बीच पे नशे की हालत में मिलता है, एक लाश बाथरूम में मिलती है. क्या चक्कर क्या है?
सर ये आप क्या बोल रहे हो, कैसा चक्कर? कोई चक्कर नहीं है सर, मैं खुद परेशान हूँ, मेरे सब दोस्त गायब हो चुके हैं और आप। थोड़ी आवाज नीचे। क्या है? अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, एक बार मेरी बात खत्म हो गई ना तो समझता है। जी सर, इसलिए मेरा टाइम वेस्ट मत कर, यहां तो जो बोलेगा सिर्फ सच बोलेगा, आखिरी बार बोल रहा हूं। अब बताओ क्या प्लान था? सर ये कोई प्लान नहीं था, मेरे साथ जो हुआ मैं खुद नहीं जानता। और ऋषभ ऐसे, ऋषभ के साथ लड़की कौन थी? रिया, उसकी गर्लफ्रेंड है। हाँ सर, ऋषभ और ये रिया, इन दोनों में सब ठीक था? नहीं सर, काफी झगड़े होते थे। बस फिर मौका देख के रिया ने मार दिया उसे? नहीं सर, रिया ये नहीं कर सकती। तो फिर तूने किया है? उसके सर पर गहरी चोट लगी है, इट मे बी अ सबड्यूरल हेमाटोमा, और उसके ब्लड रिपोर्ट से साफ पता चल रहा है कि उसने काफी हद तक ड्रग्स कंज्यूम किए हैं। इस हालत में हम उसका ज्यादा इलाज भी तो नहीं कर सकते, और फिर शायद क्या पता उसको कुछ याद हो ना हो। क्या? हाँ, ऐसे पेशेंट को कुछ याद नहीं रहता, शायद कुछ साल, कुछ महीने, और इन सम लकी केसेस कुछ दिन। आई होप उसे सब कुछ याद आ जाए। माई जॉब इज डन। या ट्राई करते रहो, लेकिन जरा संभाल के, क्या है उसकी हालत अभी तक नाजुक है। क्या रे, अभी और कुछ याद आया कि नहीं? नहीं सर, और कुछ याद नहीं आया। अबे ऐसे कैसे याद नहीं आया हैं? ये सही कह रहे सर, ये इसकी रिपोर्ट है। डॉक्टर ने कहा है कि इसके सर पे लगने की वजह से इसे कंकशन हो गया, शायद इसे कुछ याद नहीं आएगा। ये ऋषभ और प्रिंस की गर्लफ्रेंड के बीच में कोई चक्कर था? बोलना। अरे कुछ पूछ रहा हूं मैं तुझसे। सर प्रिंस काफी गुस्से वाला है, उसे तो बात बात पे गुस्सा आता है। ये मेरे सवाल का जवाब है? ऋषभ तो हर लड़की के साथ सर। तनीषा और ऋषभ के बीच में कोई चक्कर था? कुछ था कि नहीं था, सिर्फ हाँ या ना? था सर। और तुम लोगों का ये ट्रिप प्रिंस ने स्पॉन्सर किया था? हाँ सर, वो उसका बर्थडे था तो हम सबको लेके आया। और यहाँ इस रिजॉर्ट से कहाँ जाने का प्लान था? सर कोई प्लान नहीं था सर, हमारे बुकिंग्स रिजॉर्ट के ही थे, हम वहीं से वापस जा रहे थे। अजय एक काम करो सर, एक टीम तैयार करो। श्योर सर। ये जो रिजॉर्ट से इनकी फोटोग्राफ्स मिली है, सब जगह दिखा के पूछो, सब जगह मतलब एवरीवेयर, और दो लोगों की टीम दिल्ली भेजो। श्योर सर। और सर इसका क्या करना है? इसको रखो, इसका हमारे साथ रहना जरूरी है, देखता हूं कब तक याद नहीं आता। वेलकम टू फीवर 104 FM, और मैं हूं आपका अपना आरजे सरू। आज एक बार फिर मेरा दिल रो रहा है, पता है क्यों? क्योंकि आज फिर एक बार रेप की खबर आई है, और इस बार रेप एक 6 साल की बच्ची का हुआ है। फाइल नहीं मिल रही मतलब क्या है? अरे वो बहुत जरूरी फाइल है, उसमें सारे क्लूज है मेरे।
शमा, शमा प्लीज समझने की कोशिश करो, क्या कर रही हो तुम? अब मैं और नहीं समझ सकती हूँ अली, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? हमारी किस्मत में था जो हमारे साथ हुआ। जब हम उसे अपने घर लेकर आए थे तो 2 साल की थी वो, और तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हें ने उससे प्यार किया है? नहीं अली, मैंने भी सगी माँ की तरह प्यार दिया है उसे, मैंने भी अपनी बेटी खोई है, मुझे भी उसकी मौत का उतना ही गम है जितना कि तुम्हें है। अली, जुबेदा के साथ जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था, पर क्या हुआ, क्या हुआ अगर उस रेपिस को तुम नहीं पकड़ पा रहे हो? अगर उस रेपिस को पकड़ भी लिया तो क्या कर लोगे तुम? फांसी दे दोगे उसे? इससे हमारी बेटी हमें वापस मिल जाएगी? नहीं अली, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी बचा कुचा है उसे भी तुम खत्म कर देना चाहते हो। अली, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, अली मुझे जवाब दो। बस अली, अब और नहीं, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। या तो तुम अपना ट्रांसफर लेकर मेरे साथ चलो, या फिर मुझे जाने देना होगा। अली, शमा, शमा, पहुंच रहा हूं, आ रहा हूं। चल सर, 25 की रात को इसने अलक्ष और हिमांशु को देखा, कह रहा है कि इसकी दुकान से स्कूटी चुरा के भागे थे। 25 की रात मतलब इनकी पार्टी वाली रात। राइट सर, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये पार्टी छोड़कर यहाँ क्या कर रहे थे। और कोई एविडेंस? सर, सीसीटीवी फुटेज मिला कैमरे से, देख सकते हैं? श्योर सर, ये चल। क्या नाम है तेरा? जॉन। लेकर ये वो दोनों ही है ना? जी सर। रुको रुको रुको, थोड़ा पीछे लो, पीछे कर, पीछे लो, ये देखो, देखो इन दोनों के पीछे कोई है, कौन है ये? पता नहीं सर, लेकिन अपने 2 लोग लगाए हैं मैंने, जैसे पता चलता मैं आपको बताता हूँ। जल्दी आ जाए, मेरे पास टाइम नहीं है। शॉप, और ये फुटेज हमें चाहिए, ठीक है? ये फुटेज दे। जी अजय सर। सर सुना है ये केस सॉल्व करने के लिए आपको 48 घंटे मिले हैं। सर आपको लगता है आप कैपेबल हैं ये केस सॉल्व करने के लिए?
I'm quite close, ma'am. I promise you I'll solve it. And right time आपको inform कर दिया जाएगा. Thank you. सर कुछ पता चला? सर क्या समझता है? तेरे बाप का नौकर लगाऊं? याद नहीं, याद नहीं, याद नहीं का खेल खेल रहा हमारे साथ. अब अगर मुंह नहीं खोला ना तो वो हाल करूंगा कि कुछ याद रहने लायक बचेगा नहीं. सर मैंने क्या किया? क्या किया? बधेड़े वाली रात डॉक्स पे क्या करने गया था तू? सर हम सब तो रिजॉर्ट में ही थे. चुप कर हिमांशु. और तू इस इलाके में और कौन था साथ में? क्या क्या कांड किया बता. पर सर हम सब तो पार्टी में ही थे. पार्टी के बाद की बात कर रहा हूं ना. सर मुझे कुछ याद नहीं है. मैं सीधा हॉस्पिटल में उठा. सलाम साहब. मांडवा में दो ड्रग्स डीलर को पकड़ा गया है. किसके पास? वो सब पता नहीं. जगह पहले जा सकता हूँ. उभार के लौंडे हैं. हाँ सर, यह बास का डेस्क. अब्बास, अजय अपने सारे आदमियों को इन्फॉर्म करो. मुझे किसी भी हालत में ही अब्बास चाहिए और जल्दी चाहिए. राइट सर. सर अंदर कोई नहीं है. लेट्स गो. चल. सर प्लीज सर. अली तुम्हें पता है यह केस अब मीडिया तक पहुंच चुका है और ऊपर से भी बहुत प्रेशर आ रहा है. हमें यह केस बंद करना होगा. यस सर. सर मैं पूरी तरह से इस केस के पीछे हूं सर. आई क्लोज दिस केस सर. दो चार उलझन है सर. थोड़े टाइम में ठीक हो जाएगा सर. 48 घंटे. आई नीड सम टाइम सर. अली यह केस तुम्हारा है और तुम्हें पता है यह केस कैसे बंद होगा. सर ही इज द ओनली सोर्स सर और पूरी तरह से कॉपरेट कर रहा है. ओह कम ऑन अली. यस सर. आई अश्योर यू आई विल गिव यू द रिजल्ट सर. ओके देन रिजल्ट लाओ नहीं तो केस बंद. यस सर. सर अजय क्या लगता तुम्हें? सर इसकी हालत देख के तो मुझे नहीं लगता. कभी कभी तो मुझे भी लगता है कि सच बोल रहा है. हाँ सर मुझे भी लगता है कि इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता. इसके बैकग्राउंड के बारे में पता किया है मैंने. ये एक अनाथ है. बचपन में इसकी माँ गुजर गई थी और बाप इसे ऑर्फनेज में छोड़ के भाग गया और फिर ऑर्फनेज में रह के भी इसने अपनी पढ़ाई पूरी की और वहीं से काम पे लगा. इसका ऑफिस रिकॉर्ड एकदम क्लियर है सर. It's okay.
अब कैसा लग रहा? बेटर सर, मेरे दोस्त पता चल जाएगा। बस तुम याद करने की कोशिश करो। सर मैं कोशिश कर रहा हूं। मेरे पास सिर्फ 48 घंटे। जल्दी मैंने इस केस को सॉल्व नहीं किया तो तुम्हें क्रिमिनल मान के अंदर कर देंगे। सर मैंने गलत क्या किया? आई नो, मैं जानता हूं। यू डोंट वरी, आई विल हैंडल दिस। फिक्र नहीं करना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। थैंक यू सर। सर पेडलर लोगों को लाए हैं। खड़े हो सीधे, मुंह खोल रहे नहीं तो और मार खाएगा। बोल अबे बोल। इनको देखा कहीं कि नहीं? नहीं सर, नहीं सर। अजय सर, इसको छोड़ के बाकी सब बाहर। यस सर। चल रे बाहर, चल चल बाहर निकल। अजय तुम भी बाहर। सर बाहर। यस सर। कुछ नहीं बोला सर, लेकिन साला जल्दी मुंह खोलेगा सर। अजय पर मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे लगता है कि हो सकता है कल परसों तक ये लोग मुझे इस केस से हटा दें और कहीं इस बच्चे को अंदर कर दें, तो मैं नहीं चाहता हूं इसके साथ ऐसा हो। पर सर इतने कम वक्त में हम कैसे? अजय नामुमकिन तो नहीं है। राइट सर। सर मुझे लगता है कि इन दोस्त लोगों में से कोई एक है, या फिर ये सब साथ में है और इसे फंसाया जा रहा है। सॉफ्ट टारगेट। सर इसलिए मैंने ऋषभ के बारे में पता किया था। क्या? ये ऋषभ बहुत ही टेढ़ी चीज था। इसने एक लड़की का रेप किया था और उसके बाद उस केस को दबा दिया गया था। पर ये रिया ऋषभ की गर्लफ्रेंड है ना? हाँ सर, मगर इनका भी कुछ ठीक नहीं था, जबरदस्ती थी। तो क्या कहना चाहते हो तुम? रिया ने तो आई थिंक सर, क्योंकि रिया ही ऋषभ के रूम में लास्ट थी और किसी को नशे की हालत में मारना सबसे आसान काम होता है। आसान तो होता है। एक्सक्यूज मी सर। हेलो
हाँ मैं बस निकल ही रहा हूं। हाँ बाय पायल। ये सर कैसी है वो ड्यू डेट कवर? अच्छी है सर, नेक्स्ट मंथ ड्यू डेट है। थोड़े मूड स्विंग्स होते हैं बट इट्स ओके। बिग चेंज है। यस सर। ठीक है तुम निकल जाओ, कल सुबह मिलते हैं। श्योर सर। पायल से कहना याद कर रहा था। जी एंड लुक आफ्टर। डेफिनेटली सर। गुड नाइट। अजय फॉरेंसिक रिपोर्ट का कुछ पता चला? एक सेकंड अजय, मैं करता हूँ। क्या हुआ साहब? क्या नाम है तेरा? उमेश। इधर आ। क्या हुआ साहब? इधर आ। मेरे से कोई गलती हो गई साहब। ये टी शर्ट कहाँ से लिया? अरे साहब मैं फिशिंग के लिए गया था तो वो मुझे बीच पे मिला। ये मिला या चोरी किया है? अरे क्या बात कर रहे हो साहब, क्या बात कर रहे हो, मैंने चोरी नहीं की साहब। मैं कसम खा के बोलता हूँ, जो मैं मच्छी निकलकर गया था ना वागातोर बीच पे, तो मुझे दिखा तो मैं उठा लिया साहब। तो चल चल मेरे साथ अभी चल। साहब मैं सच्ची बोल रहा हूँ साहब। अरे चल 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 साहब सुनो तो। अरे साहब बैठो। सलाम साहब। एक बात बताओ, ये सब थे वहां? हाँ साहब ये सब लोग वहां पे थे, मगर इसको मैंने देखा नहीं। क्या कर रहे थे वहां? ये सब लोग बीच पे थे और मैं अपने काम में निकल गया। ये था वहां? हाँ साहब ये था वहां पे। जरा याद करके बताओगे क्या बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे? साहब मैं रोज की तरह मछली पकड़ने गया। वाओ दिस इज सो ब्यूटीफुल। या मैन सही है यार। हिमांशु ऑसम ये रहता ना, क्या होता है व्हाटएवर यू से बेबी। और कोई ऑप्शन भी नहीं है तुम्हारे पास। बेबी अभी भी नाराज हो? आगे से ऐसा नहीं होगा, I promise. आगे का ना दिल्ली जाके देखेंगे। क्या बहुत शॉपिंग की है ना तूने? चल अब रीइंबर्समेंट का टाइम आ गया। रिया सुन यार, तुम अभी भी नाराज हो क्या? हाँ आई सेड इट्स ओके प्रिंस राइट, सो दैट्स इट, लीव इट। देखो यार, देखो सुनो, इस बात को बहुत टाइम हो गया यार, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट ना। ए भूल जा उसको यार, अरे पूरी लाइफ पड़ी है यार। बंद पिंजरे में ना कोई लाइफ नहीं होती प्रिंस। लाइफ लाइफ ना मैं दे सकता हूं तुम्हें, आई स्वेयर टू गॉड प्रिंस। Trust me यार। Prince. अरे सुनो। Go away. Listen, listen, listen. देखो मैंने ऋषभ को। Prince. यार क्या है, तू भी गलत टाइप एकदम। अरे यार मैं तेरे लिए कुछ लाने गया था। क्या? अच्छा सुन ये ले, चल मूड बना। ऐसे अकेले क्यों बैठी हो? फोटो वोटो नहीं लेना क्या?
बेबी अभी भी नाराज हो? अबे नाराज वाराज देख लेंगे बाद में, अभी तो मूड बनाना है। सर कहाँ थे तुम दोनों? बस वॉक पर गए थे यार, क्यों? अरे प्रिंस और तनिषा दिख नहीं रहे हैं, बहुत टाइम हो गया है। यहीं कहीं गए होंगे, वो तनिषा लेके गई है ना उसको। अच्छा सुन, तुम लोग रुको यहीं, हम ढूंढ के आते हैं। ठीक है स्मृति, तुम उस साइड देखो। ओके चलो फिर हम ही ढूंढ के आते हैं। चलो Himanshu, look at them. Prince. Prince, देख ठीक है? Prince, Prince. Oh shit, Tanisha. They're dead. हम सब फंसेंगे। नहीं, मुझे घर जाना है। जो करना है करो बच्चे, लेकिन मुझे। Buddy, stop. Laksh, she's right. कुछ करना पड़ेगा, हमें निकलना होगा यहाँ से। मैं Prince और Tanisha को छोड़के कहीं नहीं जाऊँगा। हमें निकलना होगा। कैसे छोड़ के जाओ? लक्ष्य, yeah, Himanshu is right. Please, we should go. Come, move fast. We need to leave. Fine. So, इधर। सही है, देखिए। सावंत लक्ष्य को लिखा। पानी पिलाओ इसे। अजय डेड बॉडीज निकलवाओ, एक टीम बुलवाओ और इस एरिया में जितने भी लोग हैं सबसे पूछताछ करो, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डिटेल। आई वांट एवरी सिंगल डिटेल, ऑल द इंफॉर्मेशन अवेलेबल। राइट सर। तुमको ठीक से याद है पक्का ये लड़का वहां था? हाँ साहब, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा उसे, ये था वहां पे। ठीक है, थैंक यू। अभी तुम जाओ, हम बुलाते हैं तुमको बाद में, लेके जाओ। नमस्कार सर। सर हमें लगा कि लक्ष्य पार्टी के बाद सीधा हॉस्पिटल में उठा है, पर ये तो इन सब के साथ कहीं कुछ तो गलत है। अजय इस पूरे सीक्वेंस में कहीं हम गलती कर रहे हैं। सर कहीं इनमें से कोई एक तो नहीं? अजय एक काम करो, सभी हॉस्पिटल्स में शहर के एक बार फिर से चक्कर लगाओ। सर हॉस्पिटल? पता लगाओ पिछले दो दिन में कोई अनअटेंडेड बॉडी आई है कि नहीं। सर हरी अप। सर वो पेडलर कुछ बोलना चाहता है।
साहब मरना नहीं साहब, साहब मरना नहीं साहब, मैं सच सच बताता हूँ साहब, साहब मेरा अब्बास से कुछ लेना देना नहीं है साहब, साहब उसके एक आदमी का पता जानता हूँ साहब, ओल्ड गोवा सेंट जेवियर चर्च के पास छोटी गली में उसके हाउस का नंबर है साहब 52, उसका नाम है साहब ओल्विन लोबो। कौन है तो चल निकल। सोचना भी नहीं, तेरे सोचने से पहले ये चल जाएगी। अब्बास कहाँ है? कौन अब्बास? अब्बास कहाँ है? मैं किसी अब्बास को नहीं जानता हूँ। नहीं जानता तो उसके साथ काम कैसे करता है? कौन से गैंग का है रे तू? पुलिस के। साहब साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, साहब मैंने सब धंधे छोड़ दिया साहब, मैं सब बताता हूँ साहब। 25 की रात को दो छोकरे आए थे साहब माल उठाने, अपने गोवा के नहीं थे साहब, मुंबई या दिल्ली के थे। इधर है शायद। क्या रे, क्या चाहिए? माल। क्या चाहिए रे? माल। यहाँ पर कुछ नहीं मिलता है, चलो यहाँ से। मजाक। क्या? कोड वर्ड मजाक। कितना? 10 ग्राम। 70,000। बहुत ज्यादा है, नहीं चाहिए। ए! माल के बारे में पूछने के बाद सवाल ही पैदा नहीं होता ना बोलने का। ओ भाई, ये हथाटा छिलकर भाई, आप देखो थोड़ा एडजस्ट कर लो। और ए! लड़कियों के भाव में तोलमोल होता है, मुख्तार के माल में नहीं। चल निकल, चले निकल भाई, सुनो। चले चल 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 हिमांशु। भाग हिमांशु भाग, भाग हिमांशु भाग। और वो दोनों बाइक चुरा कर भाग गए साहब। साहब उस हादसे में तो अब्बास भाई, साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, साहब मैंने वहां से कल्टी मार ली साहब, मुख्तार सनकी है साहब, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। ये मुख्तार कौन है, उसका क्या लेना देना है इन सब से? साहब लेना देना कैसा नहीं साहब, अब्बास भाई तो मुख्तार की जानते साहब, साहब अब्बास का बड़ा भाई है मुख्तार खान साहब, साहब वो अंडरग्राउंड रह के पूरे गोवा में ड्रग्स माफिया का धंधा चलाता है साहब। कहाँ मिलेगा ये मुख्तार? साहब मुख्तार का तो पता नहीं, उसका पता तो शायद खुद मुख्तार को भी नहीं पता होगा साहब। अच्छा हाँ, तो लगा लेंगे पता। सलाम साहब। क्या रे कैसा? मस्त एकदम। ये मुख्तार खान क्या चीज है? साहब बहुत बड़ी चीज है, नाम बहुत सुना है मगर देखा नहीं कभी। अभी देखने का टाइम आ गया। हो जाएगा तुझसे, ये ले रख ले। थैंक यू साहब। मिलता
तूने और हिमांशु ने एक मर्डर किया। आप क्या कह रहे हो? याद कर ठीक से, उस दिन क्या हुआ था डॉक्स पे? सर डॉक्स? सर कौन सा डॉक्स? और हम किसी को क्यों मारेंगे? अबे किसी को नहीं, गोवा ड्रग माफिया डॉन के भाई को मारा तूने। किसी को? तुम्हारी ये जो हालत है ना, शायद उसी की वजह से। पर सर हम तो ऐसे किसी आदमी से मिले ही नहीं। सर कहाँ है मेरे दोस्त? क्या पता कहाँ है, शायद उसी के पास हूं, या भाग गए हूं या मर गए हूं। शायद आप शायद ए! आवाज नीचे रखा, मैं अपनी पे आ गया ना तुम। पर सर कुछ याद नहीं है। तो याद करना, जोर डाल अपने दिमाग पे, याद नहीं है सर। तेरी याददाश्त की वजह से शायद तेरे दोस्तों को कुछ पता चले। अजय सर, अजय लगातार कह रहा है कि मुझे कुछ याद नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि सच बोल रहा है या झूठ। सर मुझे नहीं लगता कि ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि डॉक्टर ने पहले ही कहा था कि इसे शायद कुछ याद नहीं होगा। पर कहीं कुछ तो है जिसका हमें पता नहीं है। सर मुझे लगता है इसके पीछे मुख्तार ही है। पहले उसने ऋषभ को मारा, उसके बाद बीच पे ले जाके तनिषा और प्रिंस को मारा। अजय इतनी जल्दी अंजाम पे मत पहुंचो। सॉरी सर। और वो रिया स्मृति हिमांशु का कुछ पता चला? सर मैंने फोर्स लगाई है, जल्दी पता चला। अजय मेरे पास टाइम नहीं है। श्योर सर मैं कुछ करता हूँ। हेलो, हाँ बोल। पक्की खबर है? कहाँ पर? Boy, I'm a rude chick. Beat meri hai sick. Swag mera dekhik. Sare mere aashik. Me and my girlfriends. Peeche chode sare trends. Assi hai ya radhe yaar. Panga naale sade naal. Tu aja 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 girl. Aja aja aja. Tu aja 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 girl. Aja aja mere naal. Parda hata. Duniya bhula. Jile zara, this is how it's done, bitch. Lele maza, beat baja, bass utha. This is how it's done, bitch. Arda hata, dunia bhula. Jile zara, this is how it's done, bitch. Lele maza, beat baja, bass utha. This is how it's done, bitch. This is how it's done, bitch. Yaar mila de, shot bana de, rum mein thodi thodi coke mila de, beat pila de, sharm bhula de, theek nahi re baba mere irade. Waste ko tu meri kas ke pakad le. Trance mein tu puri duniya bhula de. Tu aja 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 girl aja 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 tu aja 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 girl aja aja mere naal parda hata duniya bhula jile zara this is how it's done bitch lele maza beat baja bass utha this is how it's done bitch लाइन में चार्ली होंठों पे गाली लगने लगी है ये दुनिया निराली कर ले जो करना है किसी से भी डरना है बाढ़ में जाए दुनिया साली छोड़ दे फिकर एकदम तो लगा ले खींच तू दम और जग बिसरा दे हे बॉय Wanna play with me? Tu aja 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 girl, aja aja aja. Tu aja 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 girl, aja aja mere na. Parda hata, dunia bhula, jile zara. This is how it's done, bitch. Lele maza, beat baja,
बेस उठा, this is how it's done, bitch. अर्दा हटा, दुनिया भुला, जिले जरा, this is how it's done, bitch. ले ले मजा, beat बजा, बेस उठा, this is how it's done, bitch. This is how it's done, bitch. This is how it's done, bitch. कैसा लगा पुलिस स्टेशन में? क्या है सब? क्या गलत फहमी है? गलत कर रहे हो मियां? यहां सही गलत मैं तय करता हूं. एक आम आदमी हूं. छोटा मोटा धंधा है यहां. तेरा धंधा क्या है वो मैं अच्छे से जानता हूं. फिर काई को? ना यार, अरे पहले बताना था ना, रोकड़ा पहुंच जाता था ये ड्रामा काई को. देख 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 ठीक से इनको, जानता कि नहीं इनको? जानता ना? हाय देख 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 जानता ना? देख कौन है ये? किस चक्कर में फंसा रहा है मुझे? चल छोड़िए सब. जानता नहीं इनको? साले झूठ बोलता है. नहीं तू जानता नहीं है मेरे को. मैं कोई छोटा मोटा टपोड़ी नहीं, इसलिए तुम्हें इससे बात करने का. तेरे सब अब्बू लोगों को जानता है मैं. अगली बार तमीज से बात कर. गुनाह नहीं किया, अपने भाई की मौत का बदला लिया बस. मतलब? मतलब साफ, कोई मेरे भाई को मारेगा हुँ? छोटा भाई था, छोड़ देगा मैं. भगा भगा के मारेगा, ढूंढ के मारेगा. तुम्हारा ना? तुम्हारा ना? तुम्हारा ना? तूने पहले एक को मारा, फिर एक एक करके उसके सब साथियों को मारा. मारा ना? मारा ना तूने? क्या बक रहे हो? बकवास मत कर. मैं ना कई दिन से सोया नहीं हूं, थका हुआ हूं, और मेरा दिमाग ना इस वक्त. तो मैं क्या करेगा? और मेरे पास टाइम नहीं है. तूने पहले इस लड़के को रिजॉर्ट में मारा, फिर उसके बाद उसके दो लोगों को तूने वागा तौर बीच पे मारा. बाकी तीन कहाँ हैं बता? अब ये बकवास तुम कर रहे हो समझे, स्टोरी बना रहे हो. मैं तो इसको मारा, इसको इसको उठाने गया था तो तुम मेरे को उठा लाए. हाँ, और कौन सा रिजॉर्ट? साले मोटेल में रुके हुए थे. अब ये मोटेल कहाँ से आ गया? हाँ, और झूठ बोलेगा ना तो जबान खींच लूंगा साले. 100% की एक बात करता है मुख्तार, अल्लाह कसम. मोटेल से उठाया, जब मेरे को आदमी से पता चला कि लोग मोटेल में रुके हुए हैं, आओ साहब, आओ साहब, ये रहा कमरा. हाँ,
क्या हो रहा है हमारे साथ? अब पुलिस हमें पकड़ लेगी। शांत रहो यार, तुम सोचने दो। मैं शांत रहूं? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है हिमांशु, तुम लाए थे ड्रग्स और तुम्हें लगता है मैंने मारा प्रिंस? गाइस, ये आपस में झगड़ा करने का वक्त है, हमें यहाँ से निकलना होगा अभी। मगर ऋषभ और हमारा सामान, वो हम जाके रिसोर्ट से लेके आ सकते हैं और हम डायरेक्ट वहां से ही निकल जाएंगे। राइट, लेट्स लीव नाउ। कहाँ है भाई? यही कमरे में देखा था उनको आते हुए। तो रूम दिखाने के लिए बुलाया है? तुम लोग सारे भाई, ये लड़की भी उसके साथ में थी। कौन हो तुम लोग? चल बैठ 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 बैठ। कहाँ है दोनों लड़के? कौन लड़के? जो तेरे साथ थे। मेरे साथ कोई नहीं था। ज्यादा नाटक नहीं, सच में मुझे कुछ नहीं पता। कहाँ है दोनों? कौन हो तुम लोग बता दे पहले, कहाँ है दोनों? वो बोल बोल वो। हाँ, वो कहाँ है? कहाँ है वो? बाहर नहीं, बाहर क्या करने गए? और क्या करने गए? बता। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। कहाँ? मुझे कुछ नहीं पता, प्लीज मुझे जाने दो। नहीं पता? सच में क्या करूँ मैं इसका? क्या करूँ इसका मैं? प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं क्या करूँ? नहीं पता तुझे? नहीं। कहाँ है दोनों लड़के बता दे, नाटक मत कर। जाने दो मुझे प्लीज। जाने दिया, अब बता दे कहाँ है? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। प्लीज। दूसरा कहाँ है? पहचाना नहीं? मैं तेरा अब्बू। कौन? प्लीज सर, कौन हो आप? अब्बास, तू जानता है? जानता है अब्बास को? सर आप उसको छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया है। क्यों मारा मेरे भाई को तूने? सर उसने कुछ नहीं किया, आप उसको छोड़ दो प्लीज। क्यों मारा? सर वो हिमांशु। हिमांशु ने किया? कहाँ है हिमांशु? बता बता। नहीं तो स्कीम है इधर ही, स्कीम है। सर सर एयरपोर्ट गया है वो। सर एयरपोर्ट छोड़ने गया था? एयरपोर्ट? हाँ तेरे को भी मैं एयरपोर्ट छोड़ता है। चल गाड़ी में बिठा दोनों को, चल बिठा। रिया इट्स गोना बी ओके। रिया डोंट वरी, रिया मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, रिया सब ठीक हो जाएगा। रिया
Come on, Ria. लौंडे को इतनी जोर से मारा स्पॉट पे फिनिश हो गया, नहीं तो उस लड़की का क्या हुआ? उसका हम क्या करते? आपको क्या लगता है ये सच बोल रहा है? बोल तो सच ही रहा है। नाउ व्हाट सर, वो हिमांशु और स्मृति? वो तो भाग गए, अब तक तो निकल भी गए होंगे। अब क्या सर? क्या अब क्या अब क्या? अजय, सबसे पहले हमें रिया को ढूंढना है यार। बेवकूफाना सवाल मत पूछो। सर क्या प्रोग्रेस? सर ड्रग माफिया को अंदर किया, आई एम वेरी क्लोज सर। बस आई एम ऑलमोस्ट देयर सर। कुछ ही घंटे बाकी हैं तुम्हारे पास, यही कहने के लिए फोन किया था। यस सर। बट सर आई एम अली। सिर्फ कुछ घंटे, नहीं तो केस मैं टेक ओवर करूंगा। यस सर। हेलो सर, आप सही थे। अंजुना सेरपोरा के बीच में
जंगल के पास एक लाश मिली। झूठ बोलेगा? कुछ बंद है कुछ है खुला, जैसे राज है गहरा हुआ। कुछ बंद है कुछ है खुला, जैसे राज है गहरा हुआ, संजोने वाला है कुछ होने वाला है, 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 कुछ होने का आवाज है, कुछ का न सुना साज है, कहीं दर्द है कहीं है दवा, कहीं अनसुनी सी है दुआ, सब खोने वाला है, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, कुछ होने, कुछ होने वाला है। एक रास्ता ठहरा हुआ, ये रातों की है रोशनी, एक तेरा था साया जो मुड़ भी न पाया, क्यों राहों में हर रंग में हर रूप में, कभी छाँव में कभी धूप में, कुछ बेचैनियाँ कुछ परेशानियाँ है निगाहों में, कुछ होने का आगाज है, कुछ का न सुना साज है, कहीं दर्द है कहीं है दवा, कहीं अनसुनी सी है दुआ, सब खोने वाला है, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, कुछ होने, कुछ होने वाला है। जैसे खींचता कोई डोर है, सन्नाटे में भी शोर है, ये सच है कहानी है या कोई मन काफी दूर है। जैसे वक्त की कोई चाल है, हर शख्सियत बेहाल है, अब गांठे सुलझने लगी है, हकीकत न दूर है। कुछ होने का आगाज है, कुछ का न सुना साज है, कहीं दर्द है कहीं है दवा, कहीं अनसुनी सी है दुआ, सब खोने वाला है, कुछ होने वाला है, कुछ
कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, कुछ होने, कुछ होने वाला है। सर, कुछ पता चला? अब कहीं जाके सब पता चला है। तो फिर कहाँ है सब? कौन रिया? वो यहाँ, मेरा मतलब स्मृति और हिमांशु। हाँ, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। क्या? इस सब के पीछे रिया थी, उसी ने किया ये सब। सर सर, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। सर सर, रिया ये नहीं, रिया कर सकती। को फांसी से बचाया ही नहीं जा सकता, उसका बचना नामुमकिन। सर फांसी? पर सर, रिया को, रिया ये नहीं कर सकती है। सर देखो, पहले उसने बाथरूम में ऋषभ को मारा। हा? जब सब लोग बीच पे थे। पर सर, तुम भी बीच पे थे ना? हाँ, पर सर, फिर उसके बाद उसने प्रिंस और तनिषा की ड्रग में कांच पीस के मिला। पर सर, हिमांशु ने ही ड्रग्स लाए थे। उस वक्त सब लोग बागत और बीच पे थे, तुम सब। हाँ हाँ, हम सब थे। पर सर, स्मृति और हिमांशु, आपको तो कोई गलत फहमी हो रही है। सर, देयर सम मिसअंडरस्टैंडिंग, देयर हैज टू बी। हो सकता है, अगर तुम चाहो तो ये गलत फहमी दूर कर सकते हो, ताकि हम दोनों मिलकर रिया को फांसी के फंदे से बचा सकते हैं। सर क्या फांसी? सर सर, ये सर, ये गलत है। इट्स नॉट फेयर। रिया इज़ अ क्रिमिनल। मैं जानता हूं रिया कोई मुजरिम या क्रिमिनल नहीं है, मगर उसने ये सब किया है तो उसके पीछे कोई खास वजह, कोई मोटिव होगा, और मुझे लगता है कि वो खास वजह, वो मोटिव क्या था, वो जानने में तुम मेरी मदद करोगे, ताकि तुम और मैं, हम दोनों मिलकर रिया को फांसी से बचा सकें। सर फांसी? सर क्या कह रहे हो आप? क्या क्या थी वो खास वजह? हाँ, वजह थी, काफी स्ट्रॉन्ग वजह थी। क्या? ये सब शुरू हुआ 6 महीने पहले मेरे बर्थडे पे। So guys, where's Ria? अरे वो काम पे फंस गई है, आ रही है। अबे चल ना, केक तो काट ले। Let's just wait for her ना। क्या कर ली आके हैं? I think हमें रिया के लिए वेट करना चाहिए। Thank you। अरे वो नहीं आने वाली यार, तू काट ना केक। 2 मिनट में पहुंचेगी, she just messaged। ए उसको छोड़ दो यार, let him be। Lover boy, lover boy। और ये यार, अबे तेरा केक खा नहीं लूंगा मैं। वैसे बेबी, इसकी इतनी सी सैलरी में इतनी बड़ी जगह पे पार्टी दे रहा है। आपने ही प्रमोशन दिया सर। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स यार। तेरा भी तो बर्थडे आ रहा है प्रिंस, तू क्या कर रहा है? ओ यार, चिकन चाउमीन ये सब में नहीं मनाया जाएगा। तुझे याद है लास्ट टाइम क्या किया था? याद है ना? यू टेल देम। भाई इस बार ना बंदियां होंगी, दारू होगा, सब होगा, तो यहाँ पे नहीं है। बता ना, बंदिया और दारू कहाँ पे मिलती है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा मजा कहाँ पे आता है? हॉस्कास विलेज। हॉस्कास? या अरे स्कूल में दिया था मैंने पार्टी। ओह, हॉस्कास विलेज। तुम ना दिल्ली में रह जाओ। इस बार तो बर्थडे गोवा में मनाया जाएगा। गोवा? गोवा? यस। वाओ, व्हाट्स अप? हाय रिया, हाउ आर यू गाइस? बताया था ना मैंने। सो क्या बातें हो रही थी? प्रिंस के बर्थडे की। यार तू मुझे एक बात बता, ये रिया तेरा उल्लू की बनाती रहती है? हाँ, आज भी देखा ना, उधर तेरे साथ बैठने की जगह वो जाके लक्ष्य के साथ बैठ गई। सीन क्या है? तू इतना गुड लुकिंग है, तेरी पर्सनालिटी भी अच्छी है, मेरे को समझ में नहीं आता प्रॉब्लम क्या है। अभी भी देख उस लक्ष्य के साथ डांस कर रही है, देख उसको। मैं तेरे को बता रहा हूँ, इन लड़कियों के साथ ना जबरदस्ती करना जरूरी है, पता है तेरे को?
यार आई रियली लव हर, ऐसे कैसे जबरदस्ती कर दूं यार, तू खुद बता। बाय। ये उसके ड्रिंक में मिलाना। आर यू सीरियस? Hi. I'll leave you guys. Sit na. Baitho. It's okay, you sit. I'll leave you guys. Okay. तो क्या हुआ? तुम डांस नहीं कर रहे? बस नहीं यार, ऐसे थोड़ा। ओ, मेरा तो सर बहुत दर्द हो रहा है। क्या हो गया? तुमने कुछ बहुत लिया नहीं ड्रिंक? नहीं, बहुत काम कर लिया, सिर बहुत दर्द हो रहा है। तुम ऑर्डर करो, मैं तुम्हारे लिए अभी डिस्प्रिन लेके आता हूँ। No, it's fine. It's fine with me. It's fine. मैं लाता हूँ ना, प्लीज सिट। ओके। तुम कुछ ऑर्डर करो। ऋषभ तो आसानी से हिमांशु की बातों में आ गया। उसने सरदर्द की दवाई की जगह रिया को ड्रग्स दे दिया और फिर जो हुआ रिया ने कभी सोचा भी नहीं था। चल निकलते हैं। चल सी ऑफिस में मिलते हैं। बाय, टेक केयर मैन। बाय, टाइम पे आ जाना। Bye. See you. Bye. 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 I'm so tired. उस रात अगर मैं जल्दी नहीं निकलता तो तो रिया से प्यार करते हो तुम? कोई अंधा भी रिया से प्यार करेगा सर, उसकी रोशनी दिखेगी। मुझे वो बहुत पसंद है। और वो भी तुम्हें बेहद पसंद करती है, शायद यही वजह उसने सिर्फ तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। सर मैं फिर से कह रहा हूं, रिया ये नहीं कर सकती। रिया नहीं कर सकती, पर साबित कैसे करेंगे? सारे सबूत तो उसके खिलाफ हैं। सर रिया कांट किल एनीवन। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, रिया कांट किल एनीवन। रिया किसी को मार नहीं सकती, इसलिए उसका बदला लेने के लिए तुमने एक एक करके सबको मार दिया। तुम्हारा प्लान था तुम रिया को यहाँ से लेके भाग जाओगे, लेकिन तुम्हारा प्लान खराब कर दिया मुख्तार खान ने। सही या गलत? सही या गलत? सही या गलत? सही या गलत? अब रिया को इसमें मत लाओ प्लीज। तो ठीक है, तुम सच बोल दो, हम रिया को छोड़ देंगे। सर रिया तुम्हारे पास है? सर मुझे उसे एक बार मिलने दो सर, प्लीज सर एक बार मिलने दो सर, प्लीज बस एक बार। पर तूने ये किया ना, तूने किया है ना, तूने किया है ना, तूने किया है ना, किया है ना, तूने किया है ना, ये तूने किया ना। किसी को तो करना था सर, किसी को तो करना था। रिया रिया ये नहीं कर सकती सर। जब मुझे रिया के बारे में पता चला तो मेरा खून खौलने लगा। मैंने तभी ही फैसला किया, मैं नहीं चुप बैठूंगा, मैं नहीं चुप बैठूंगा।
तो तूने किया ये, तूने किया ये, किया ना तूने, तूने किया ना, तूने ही मारा है। मैंने मारा, मैंने मारा सबको, सबको मार दिया, मार दिया मैंने सबको, ऋषभ, प्रिंस, हिमांशु, तनिषा, मार दिया मैंने सबको, मार दिया मैंने। कैसे? हर पल रिया को तकलीफ में देख के मैंने डिसाइड किया कि ऋषभ पहले मरेगा। ऋषभ क्या हुआ है? क्या हुआ? क्या हुआ है? तुम क्या कर रही थी उसके साथ वहाँ? मैंने क्या किया है? मैं उसके पास नहीं गई थी, वो मेरे पास आया था। अच्छा जो भी है, तुम ना उस प्रिंस से दूर रहो, बस समझी? दूर रहो? अरे मुझे समझाने की बजाय उससे समझाओ, मैंने कुछ नहीं किया है ऋषभ। चुप चुप, जो तुझे समझा रहा हूँ ना वो समझ बस, उसकी नीयत ठीक नहीं है साले कमीने की। तुम्हारे मुँह से ना ये सब बातें अच्छी नहीं लगती है। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? यू गॉट एंग्री ऑन प्रिंस क्योंकि उसने मुझे मेरी मर्जी के बिना हाथ लगाया है, राइट? पर तुम क्या करते हो ऋषभ रोज? रियो, रियो, मैं तुझे कितनी बार बताऊं, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यार, आई रियली लव यू। कोई प्यार नहीं करते हो तुम मुझसे, सब नाटक है। अगर मुझसे प्यार करते होते ना तो यू रोज उस तनिषा के साथ। कौन तनिषा? क्या तनिषा? तनिषा, तनिषा, तनिषा। क्यों अब सुना नहीं जा रहा? हाँ बहुत प्रॉब्लम हो रही है ना। बस अब बस, अगर इसके बाद एक शब्द भी बोली ना ऋषभ गाड़ दूंगा यहीं पे आज। ऋषभ छोड़ो मुझे। ऋषभ चल मारना यार, तू क्यों पंगे ले रहा है प्रिंस से? अबे क्या चल मार है? क्या चल मार? ये मेरा पर्सनल मामला है समझा, एंड आई डोंट वांट टू पे इंटरफेयर इन दिस। संभाल के। क्या संभाल के बे? क्या संभाल के? तेरे को बोला ना निकल यहां से। चल चल निकल जल्दी, चल साले, चल चल निकल, बता रहा हूँ तुझे, समझा, निकल जा यहां से। झगड़े के बाद ऋषभ अपने रूम में चला गया, उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी, और किसी को नशे की हालत में मारना मेरे लिए सबसे आसान था। ऋषभ को मार के जब मैं पार्टी में पहुंचा तो प्रिंस बहुत गुस्से में था। I have no clue. चुप, एकदम चुप, चुप, चुप। मुंह बंद कर बना। तेरी तेरी मैं। Baby, please listen to me. I'm here for you now, and I don't want my baby's birthday to get spoiled. तू ये baby baby बोलना बंद कर, समझी? बहुत हो गया तेरे baby baby। नाटक मत कर इसको। Prince, chill, yeah, he was drunk, bro. Let go. Calm down, bro. Don't spoil your birthday, man. Bro, I don't care, भाई. मुझे माल चाहिए अभी इसी वक्त। मैं अभी लाके दे। मैं करता हूँ। नहीं तो कहीं से भी ला रहा हूँ। मैं लाता हूँ। Right now. मैं लाता हूँ। चल। तनिषा। तू पैक क्या कर रहा है? एक और बना। बनाना एक और। Baby. छोड़। Hey baby. Please. छोड़। हिमांशु का एक कांटेक्ट था। हम ड्रग्स लाने डॉक पर पहुँचे। जब हम वापस पहुँचे तो प्रिंस सो चुका था। ड्रग्स के पैकेट्स मेरे पास थे, मैंने बस कांच के पीसेस मिला दिए, और अगले दिन वागातौर पे मैंने वही पैकेट्स हिमांशु को दे दिया। पहले मैं प्रिंस और तनिषा की बॉडी चेक करने गया। आई वॉज गुड। हम जब मोटेल से रिजॉर्ट के लिए निकले
उसी वक्त मैंने स्मृति और हिमांशु को satisfying. फिर मैं वापस मोटेल पहुंचा. अब सिर्फ रिया को लेकर दिल्ली वापस जाना था. पर उनको क्यों मारा? स्मृति का कैमरा, हिमांशु का दिमाग. अगर स्मृति चाहती तो सब रोक सकती थी. गाइस, तुम लोगों को ये सब नहीं करना चाहिए. रिया दोस्त है हमारी यार. स्मृति, स्मृति सुनो, तुम कुछ ज्यादा इमोशनल हो रही हो. और मैंने तुम्हें बोला ना कि मैं उसे दिल से प्यार करता हूँ. लेकिन फिर भी आई रियली लव हर अलॉट. और ये वीडियो तो सिर्फ एक जरिया है यार, ये कभी बाहर नहीं आएगा. लेकिन स्मृति, तुम्हारी माँ अस्पताल में बीमार है ना, बहुत खर्चा होता होगा उनका. हमारा साथ दो, तुम्हारा सारा खर्चा मैं उठा लूंगा. बोलो. पैसा क्या नहीं कर सकता. हाँ सर. ऐसी शातिर प्लानिंग तो कोई प्रोफेशनल किलर भी ना कर पाता. जानते हो, अगर मुझे स्मृति और हिमांशु की लाश ना मिली होती तो तुम आजाद होते. यू वुड हैव बीन अ फ्री मैन. और लाश मिली भी तो मोटेल और रिजॉर्ट के रास्ते में. मुझे ये करना पड़ा मेरे प्यार के लिए. प्यार के लिए क्या था तो फिर उस वक्त तब क्यों नहीं किया? जो भी हो सर, मुझे इस बात का सुकून है. सर, शी इज फ्री. She's finally free. Please, आप मुझे फांसी दे दो सर. पर सर, इसमें रिया का हाथ बिल्कुल नहीं है. Please let her go. She deserves a better life now. वो जहां भी है शायद बहुत खुश है. I think she's having a better life. Sir, आप एक बार मुझे उसे मिला दो सर. Yeah.
थोड़ा बाकी था जो मेरी धड़कनों में सांसों का सिलसिला, कब थम गया या लहू जम गया कुछ भी पता ना चला। थोड़ा बाकी था जो मेरी धड़कनों में सांसों का सिलसिला, कब थम गया या लहू जम गया कुछ भी पता ना चला। टूट के चाह जिसे उसने मुंह मोड़ लिया, जिस पे आस लगी थी वो दिल तोड़ दिया। ऐ खुदा तूने मुझे किस लिए छोड़ दिया, ऐ खुदा तूने मुझे किस लिए छोड़ दिया। तिनका उड़ चला है ऐसी चली है हवा, आई ना काम दुआ। तिनका उड़ चला है ऐसी चली है हवा, आई ना काम दुआ। ख्वाहिशें अब जल चुकी हैं, उठने लगा है धुआं, आई ना काम दुआ। दर्द और गम से मेरा रिश्ता तूने जोड़ दिया, जिस पे आस लगी थी वो दिल तोड़ दिया। ऐ खुदा तूने मुझे किस लिए छोड़ दिया, ऐ खुदा तूने मुझे किस लिए छोड़ दिया। चल पड़ा हूँ राहों पे ऐसी जिसकी ना मंजिल है, कैसी ये मुश्किल है। चल पड़ा हूँ राहों पे ऐसी जिसकी ना मंजिल है, कैसी ये मुश्किल है। वह चला हूँ तूफान में से जिसका न साहिल है, कैसी ये मुश्किल है। जब जिंदगी को तूने मेरी झकझोर दिया, जिस पे आस लगी थी वो दिल तोड़ दिया। ऐ खुदा तूने मुझे किस लिए छोड़ दिया, ऐ खुदा किस लिए